डेल सॉल भी जिस तरह रीड है उसी तरह का स्कूल के अलावा एक इंस्टीट्यूट है जो आपको लर्निंग डिफरेंसेस में हेल्प करता है? नहीं, इट्स बेसिकली मेन स्ट्रीम स्कूल. ओके, बट यस हमारे पास इंक्लूसिव सेटअप भी है. अच्छा, जिसमें अगर कोई बच्चा वीक है तो आपके स्कूल में ही उसको हेल्प आउट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल टीचर्स को हमें मतलब व्हेन ड्यूरिंग एडमिशन बता दिया जाता है, मतलब अगर पेरेंट का होता है कि लेबल करते हैं चाइल्ड को, पहले तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि डोंट लेबल अंटिल एंड अनलेस आपने उसका कहीं जाके आप टेस्ट करवाया हो या कुछ भी, बिकॉज व्हाट डू वी डू, हम उसको फॉरन से लेबल कर देते हैं. तो जो हम कहते हैं कि बिल्कुल लेबल ना करें, गिव अस टाइम, फिर उस टाइम ड्यूरेशन में वी लेबल ना करें, यानी एज इन अब मेरा बच्चा रीड तो कर ही नहीं सकता तो शायद कोई ये प्रॉब्लम होगी. तो पहले उस लेट्स सी व्हाट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि वो पहला स्टेप क्या है, क्यों नहीं रीड कर रहा है. हम उसको कोई डिजीज तो नहीं बोल सकते ना, डायग्नोस करना है बेसिकली पहले कि वेयर इज द प्रॉब्लम. पहले ही माएं बोल देती हैं इसको तो आता ही नहीं, इसको तो आता ही नहीं, ये तो अपने बाप पे गए, इसकी राइटिंग गंदी है, राइटिंग इससे नहीं हो पाएगा, तो इससे नहीं हो पाएगा. इसका बड़ा भाई इतना अच्छा था लेकिन बड़ा बेटा मेरे ऊपर गया और छोटा बेटा कुप्पियों पे चला गया. कंपैरिजन जो हम मना करते हैं एज टीचर्स, हम यही बोलते हैं कि देयर इज नो कंपैरिजन बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक, यू कांट कंपेयर अ चाइल्ड, और हर किसी की लर्निंग एबिलिटीज बहुत डिफरेंट होती हैं. बिल्कुल.